तो आज के वीडियो में बात करेंगे, अगर आपका लैपटॉप विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8 जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे आपका कंप्यूटर है, उसमें कोई भी फोल्डर को आप हाइड कर दिए हैं, उसे फिर से उस फोल्डर या फिर कोई फोटो वीडियो जो भी है उसे वापस लाना चाहते हैं, तो उस सेटिंग को कैसे करें जिससे चलिए जो भी फोल्डर आप हाइड किए हैं उसे ला सकते हैं। तो चलो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का दबा दीजिएगा, इसलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम अपने जो भी कोई भी फोल्डर है उसे हम ओपन कर लेते हैं और उसमें से कोई एक थोड़े एग्जाम्पल देकर आपको बताएंगे कैसे कोई भी फाइल्स को आप अगर हाइड कर दिए हैं और उसे आप फिर से वापस ला नहीं पा रहे हैं, जिससे आप वो फोल्डर या फिर जो भी ऑडियो वीडियो फोटो जो भी है उसे आप देख पाएँ। मतलब आपको उसे देखना है, मतलब मेन बात यह है कि जो भी आप हाइड किए थे उस फोल्डर को वापस लाना है फिर से। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सबसे पहले जैसे डी ड्राइव में, यहाँ पे डी ड्राइव पे आपको कोई एक दो फोल्डर यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं इनमें से एक रिक्वेस्ट फ़ोटो यहाँ पे देखिए फोल्डर है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप माउस का कर्सर पर अगर ध्यान देंगे तो एक रिक्वेस्ट फ़ोटो नाम का एक फोल्डर है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइड कोने में है। यहाँ पे देखिए ये जो है रिक्वेस्ट फोटो है, इसको हाइड करते हैं। जैसे हाइड करना है बहुत आसान है, जैसे अगर हाइड करना हो तो इस पर टैप कीजिए, फिर यहाँ पे व्यू पे जाके यहाँ पे हाइड जो आइटम है इस पर टैप कर देना है। बस यहाँ पे टैप कीजिएगा, फिर अप्लाई कर दीजिएगा तो वो हाइड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट फ़ोटो देखिए आर यहाँ पे देख सकते हैं, पी क्यू आर देखिए, यहाँ आर और पी के बीच में यहाँ पे आर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट नाम का कोई फोल्डर यहाँ पे यहाँ है नहीं, जो हाइड हो चुका है। और यही जो है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी ड्राइव में आप इसे हाइड किए, चाहे आपका लैपटॉप हो, आपका कंप्यूटर, जिस कोई भी फोल्डर हो, सी डी ई एफ जी कोई भी फोल्डर्स है, और उस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स आप हाइड किए हैं उसे फिर से आपको लाना है। तो यहाँ पे देख, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया था कि कैसे आप उस फाइल को हाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रिक्वेस्ट जो फोटो जो नाम का जो फोल्डर था यहाँ पे उसे मैंने हाइड कर दिया है। तो लाने के लिए बस कुछ नहीं करना है, बल्कि आपको व्यू पर चल जाना है। यहाँ पर देखिए अगर विंडो 7 यूज करते होंगे तो आपको कुछ अलग टाइप का यहाँ पर देखने को मिलेगा, और विंडो 10 यूज कर रहे हैं तो जो सभी मैं बता रहा हूँ ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह जो लुक है इससे देखने को मिलेगा विंडो 10 में। तो विंडो 7 रहे, 8 रहे, 10 रहे कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पे जो होम के बगल में इधर व्यू का जो ऑप्शन है इस पर टैप कर देना है। और यहाँ पे व्यू का ऑप्शन पर टैप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे लास्ट में इधर हिडन आइटम देखिए, यहाँ पे हिडन आइटम जो लिखा है अनचेक है। अनचेक मतलब क्या है, जो टिक है अनटिक है उसे हम टिक कर देंगे। देखिए यहाँ अनटिक है, अगर इस पर हम टिक कर देंगे यहाँ पे कि जो अगर कोई भी फोल्डर इस ड्राइव के अंदर कोई भी फाइल्स है अगर वो हाइड है तो उसे हमको देखना है, तो बस सिर्फ यहाँ पे टिक कर देंगे। जैसे टिक कर देंगे तो देखिए रिक्वेस्ट नाम का एक फोल्डर यहाँ पे जो अभी हाइड था वो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो है इस फोल्डर के देखिए इसको इसको देखिएगा तो कुछ कलर में कुछ अंतर देखने को मिलेगा, तो बस इस पर टैप कर देना है और व्यू पे जाके यहाँ पे जो हाइड आइटम इसको फिर से इस तरह कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट नाम का जो फोल्डर था वो आ चुका है। तो इस तरह आप भी कोई फोल्डर को अगर हाइड कर दिए हैं और उसे आप ला नहीं पा रहे हैं तो जिसने बताया उस तरह आपको फॉलो करना है और आप उस फोल्डर को हाइड से अनहाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का साथ दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।